देखिए, मैं तो इस पर्व को हम लोग बहुत बचपन से हम लोग मनाते आए हैं, और तो इसमें बहुत ही बड़ा पर्व है ये, और आज मैं देख रहा हूँ कि इसके मान्यता धीरे धीरे पहले बिहार और पूर्वांचल से होते हुए आज पूरे देश और विश्व भर में लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और मेरी तरफ से भी सबको आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं सबको दूर दूर बसे हुए जहां पर भी लोग हैं सबको छठ के इस महापर्व की बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। कुछ महिला हमारे साथ हैं जो छठ की पूजा बहुत धूमधाम से मना रही हैं, और ये पानी में खड़े होकर शायद अर्घ दे रही हैं। तो कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं कि ये पूजा की किस तरह इनकी मान्यता है, किस तरह इनके भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा पर्व है, बहुत बढ़िया पर्व है, हम लोग का बहुत बड़ा पर्व होता है और इनमें सब खुशी मनाते हैं। आप जो पानी में खड़ी हुई है उसकी क्या मान्यता है, क्यों खड़े होते हैं इस पानी में? मनोकामना जो पूरा होता है उनके लिए कष्ट करते हैं सब, वो बेड़ा पार लगा देते हैं। आपका क्या विचार है छठ पूजा के बारे में? ये सबसे बहुत बड़ा त्योहार होता है, जो बिहारियों है उनके सबसे बड़ा त्योहार होता है। इन त्योहार में अपने बच्चे, अपने घर वाले, बेटे और परिवार के सुरक्षा का दुआ मांगा जाता है छठ मैया से, और ये बहुत खुशी का चीज है। खुशी हम लोग आकर के यहाँ पे अपना जो मनोकामना हमारा पूरा होता है वो हम यहाँ आकर के अपना छठ महारानी से अपना मन्नत मानते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे, घर वाले, बेटे, बहू, जो भी है नाती पोता, सब खुशी रहे, सब सुरक्षित रहे। कितने दिन का पर्व होता है ये? ये 3 दिन का पर्व होता है, और 3 दिन बहुत खुशी होती है इस पर्व को करने में। पहले खरना होता है, नहा खा होता है, खरना होता है, फिर शाम का अर्घ होता है, उसके बाद सुबह का अर्घ होता है। आज शाम का अर्घ है और कल सुबह का अर्घ है, तो कल निस्तार है और बहुत खुशी की चीज़ है। हम लोग बहुत उत्सव मनाते हैं इस चीज़ को कि ये हमारे देश की ये मान्यता पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है ये। ये 3 दिन का पर्व होता है, किस तरह से ये पर्व मनाती है, किस तरह से इनकी श्रद्धाएं जुड़ी होती है, किस तरह से अपनी मांगे मांगती है माता रानी से, और पूरी होने के बाद वो इनकी विश को उस पानी में खड़े होकर उनको अर्घ दिया जाता है, इसी तरह से ये पूजा करती है। यहाँ पे बहुत धूमधाम से छठ मनाई जा रही है। इसी के साथ गुंजन चौहान की रिपोर्ट, नोएडा से के न्यूज। और ये